हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों अभी हम हैं अयोध्या बस स्टेशन पे। पीछे आप बोर्ड देख सकते हो, लगा हुआ है अयोध्या बस स्टेशन का, और इधर पे बस स्टेशन है। आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाले हैं कहाँ कहाँ की बसें मिल जाती है। अभी हम रोड पे खड़े हुए हैं। अगर आप देखो, ये सर्किट हाउस और अयोध्या बस स्टैंड का बोर्ड लगा हुआ है, राम पथ है ये, और ये कुछ इस तरह से इधर पे बस स्टैंड है। ये देखो इलेक्ट्रिक बसें भी चल रही है, और इधर पे ये सुल्तानपुर डिपो खड़ी हुई है, जो है सुल्तानपुर से अयोध्या जो है वो चलती है। और अभी हम रोड पार करते हैं। ये देखो राम पथ है, और राम पथ का कुछ इस तरह से नज़ारा आप देख लीजिए। ये राम पथ है, और इधर पे भी जो है राम पथ है, वहाँ पे टूरिस्ट स्टॉप वगैरह भी बने हुए हैं। सामने है बस स्टैंड, चलो चलते हैं। अभी आप लोगों को बस स्टैंड जो है वो दिखाते हैं कि किस तरह से पूरा बस स्टैंड बना हुआ है। इसके पहले आप लोग देख लीजिए कुछ इस तरह से जो है पूरा माहौल यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ से अयोध्या करीब जो है 8 से 9 किलोमीटर होगा, जो मेन अयोध्या है जहाँ पे प्रभु श्री राम का मंदिर बना हुआ है। फिलहाल ये है इधर पे बस स्टेशन, और कहाँ कहाँ की बसें मिल जाती हैं पूरी जानकारी देंगे, और बस स्टेशन कैसा बना हुआ है वो भी दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो सागंज डिपो खड़ी हुई है, जहाँ पर अयोध्या अकबरपुर सागंज, इसके बाद प्रयागराज की जो है वो भी बस खड़ी हुई है। तो चलो चलते हैं और आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी होगा, उसको भी दबा लीजिए। ये देखिए ये क्या है, आजमगढ़ की जो है यहाँ पर बस जो है वो खड़ी हुई है। और अभी जो है यहाँ पे समय सारणी और जो है बोर्ड लगा होगा, नोटिस बोर्ड जो होता है जहाँ पे बसों के बारे में डिटेल लगी होती है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे प्रतापगढ़ डिपो जो है वो खड़ी हुई है, प्रयागराज और मऊ जो है वो जाने वाली, ये है गोंडा और फैजाबाद, गोंडा जो है अयोध्या डिपो है ये, और बहराइच गोंडा अयोध्या जो है वो सामने खड़ी हुई है। और इसके अलावा इधर पे एसी बसें भी खड़ी हुई हैं, जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जनरल जिसको बोलते हैं। और ये देखिए ये है अयोध्या डिपो, उत्तर प्रदेश परिवहन की जो है जनरल बस। और अभी यहाँ पे समय गाड़ी वगैरह ये दिखाएंगे। यहाँ पे भी देखो अंदर साइड पे, इधर पे भी काफी सारी बसें खड़ी हुई है। तो ये बस स्टेशन जो है यहाँ पे पुराना बस स्टेशन जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो, ये है अयोध्या अकबरपुर लखनऊ, लखनऊ वाली बस जो है ये है। और अभी ये देखो ये है पुराना बस स्टेशन, मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। अंदर की तरफ से देखो तो ये कुछ इस तरह से अयोध्या का पुराना बस स्टेशन। मैं नए वाले पे आप लोगों को भी वीडियो बनाया, उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल अभी हम बाहर का भी हिस्सा दिखा रहे हैं, अभी जो है नोटिस बोर्ड भी दिखाएंगे कि किस तरह से जो है नोटिस बोर्ड जो है यहाँ पे है। इसके पहले ये देखो कितनी सारी जो है वो बसें यहाँ पे खड़ी हुई हैं। ये जो है अयोध्या डिपो जो है, इसके बाद जो है इधर पे जो है पुलिस वुलिस वालों को ड्यूटी लगी है, जो प्रयागराज की जो है वो बस यहाँ पे खड़ी हुई है। और अभी चलो चलते हैं और आप लोगों को अंदर से चल के दिखाते हैं कि किस तरह से कहाँ कहाँ की बसें जो है वो मिल जाती हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिलहाल अभी हम अयोध्या के बस स्टेशन पे आ चुके हैं, और यहाँ पे अगर आप देखो ये कुछ इस तरह से जो है बहुत सारी बसें खड़ी हुई हैं। ये इधर पे जो पुराना बस स्टेशन है वो बना हुआ है, और कहाँ कहाँ की बसें जो है वो मिल जाती है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा चल के। तो चलते हैं अंदर की तरफ, और नोटिस बोर्ड जो है वो मैं देखता हूँ कहाँ पे जो है नोटिस बोर्ड बना हुआ है। फिलहाल बस स्टेशन जो है अंदर साइड पे है, और आप लोगों को मैं दिखाने की जो है कोशिश कर रहा हूँ पूरा कि किस तरह से जो है बस स्टेशन बना हुआ है। अंदर साइड पे देखो ये कुछ इस तरह से है यहाँ पे, और ये देखिए ये कुछ इस तरह से है बस स्टेशन। सामने ही जो है मेन रोड है, और ये यहाँ पे जो है देख सकते हो हनुमानगढ़ी के जो है फोटो लगी हुई। अभी हम आ चुके हैं बस स्टेशन के अंदर, और आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है कहाँ कहाँ की बसें मिल जाती है पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है समय सारणी जो है वो हमको मिल चुकी है। और ये देखिए ये कुछ इस तरह से जो है यहाँ का बस स्टेशन है। और अगर मैं बात करूँ समय सारणी की, तो ये जो है यहाँ पे अगर आप देखो ये समय सारणी लगी हुई है। यहाँ पे जो है झांसी अयोध्या कानपुर जो मार्ग, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से मार्ग के लिए जो है बस यहाँ से मिल जाती है। जो है अयोध्या झांसी जो कि कानपुर के रास्ते से जाएगी, अयोध्या लखनऊ, अयोध्या जो है कानपुर के लिए बस है, मथुरा तक की बसें जो है मिल जाएंगी। इसके बाद और नीचे आए तो आगरा की बसें जो है यहाँ पे मिल जाएंगी, और अयोध्या अकबरपुर की जो है कानपुर से होते हुए अकबरपुर की जो है बसें मिल जाएंगी। इसके बाद जो है और बहुत सारी जगह जो है रुद्रपुर, जो है रुद्रपुर की जो है वो बसें यहाँ पे मिल जाएंगी, महाराजगंज जो है, सलेमपुर, और अयोध्या कानपुर की तो बहुत सारी बसें। ये देखिए कितनी सारी जो है बसें जो है यहाँ पे कानपुर के लिए हैं, और बहराइच के लिए जो है बसें बहुत सारी हैं, गोंडा के लिए हैं। और ये देखिए अभी मैं ऊपर का समय सारणी मेन बता देता हूँ। अयोध्या से जो है लखनऊ कानपुर आगरा मार्ग जो है उसकी जो बसें मिल जाती हैं, जो गोंडा बहराइच मार्ग है
उसकी भी बसें मिल जाएंगी। इसके बाद सुल्तानपुर प्रयागराज जो रास्ता है उसकी भी जो है सारी बसें मिल जाएंगी। इसके बाद अयोध्या से आजमगढ़ जो रास्ता है आजमगढ़ वाला उस पर भी जो है सारी बसें मिल जाएंगी उधर की। इसके बाद जो है अयोध्या से बस्ती गोरखपुर की तरफ जाने वाली सारी बसें जो है वो मिल जाती है। इसके बाद अयोध्या से सुल्तानपुर और वाराणसी का जो है ये आप देख सकते हो ये जो अलग से बोर्ड जो चपका दिया गया है बस और कौशाम्बी की जो है वो बसें मिल जाती हैं। और कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर बसों की जो डिटेल है बहुत सारी बसें हैं एक एक में गिनाऊंगा तो बहुत सारे जो है हो जाएगा। मैंने आप लोगों को सारे रास्ते बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ की बसें जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगी। बाकी आप जो है समय सारणी का जो है एक स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और टाइम टेबल भी आप लोगों को पता चल जाएगा। ये मैं दिखाई दे रहा हूँ अगर आप जो है देखना चाहते हो तो पूरा जो है टाइम टेबल का जो है आप एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए और आप जो है बाद में जूम करके पढ़ सकते हो। इसके बाद जो है इधर पे अगर आप देखो ये कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे पूरा यहाँ पे जो बस स्टेशन बनाया गया है यहाँ पे बच्चों को जो दूध पिलाने के लिए जो है शिशु स्थान कक्ष जो है वो भी बनाया गया है। इधर पे जो है सारी बसें खड़ी हुई है जितने भी लोग जो है अयोध्या आ रहे हैं उनके लिए जो है बहुत ही जानकारी हेल्पफुल होगी कि भाई बसें कहाँ कहाँ की मिल जाती हैं और कहाँ कहाँ से आप यहाँ पर आ सकते हो। अभी हम थे इस अयोध्या के पुराने वाले बस स्टेशन पे आप लोगों को मैंने दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से ये जो बस स्टेशन है बना हुआ है कहाँ कहाँ की बसें मिल जाती हैं। यहाँ पे वैसे एसी बस भी खड़ी हुई थी तो एसी बसें भी मिल जाती हैं जिन लोगों को दिक्कत होती है गर्मी वगैरह में तो एसी बसें भी उपलब्ध हो जाती हैं। बाकी एक जो छोटा सा बस स्टैंड पुराना वाला मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। वीडियो आप लोगों को देखकर कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप ये देखिए मैं अब इधर से भी आप लोगों को एक बार बैक कैमरे से दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है दिखता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए वो जो है रोड है ये इधर पे रोड है। मैं बैक कैमरा ओपन करता हूँ फिर आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो है मेन रोड है जिसको रामपथ बोलते हैं जिधर से मैं अभी आया हुआ था। और जैसे ही आप देखोगे ये बसें काफी सारी खड़ी हुई दिखेंगी। अंदर थोड़ा कोना है इसलिए थोड़ा कम सही से समझ में आता है। तो ये देखिए ये जो यात्री प्रतीक्षालय लिखा हुआ है ये जो है इधर पे जो है आप लोग आराम कर सकते हो अगर लेट बस वगैरह है। और ये यहाँ पे देखो नंबर भी डले हुए हैं कि आजमगढ़ और मऊ वाली जो है 6 नंबर पे यानी कि इधर पे जो है आजमगढ़ मऊ वाली जो है बसें मिल जाएंगी। बनारस सुल्तानपुर मार्ग यानी कि बनारस और सुल्तानपुर के जो बसें हैं वो इधर पे खड़ी होंगी। ये देखिए ये कुछ जो है इधर पे जो है बनारस और सुल्तानपुर 4 नंबर डला हुआ है। और इधर पे और मैं आप लोगों को दिखा दूंगा थोड़ा और जो है जानकारी आप लोगों को सही से मिल जाएगी। यहाँ पे देखो अनुज भाई जो है वो वीडियो बना रहे हैं उनके भी चैनल पे इस तरह का वीडियो जो है आएगा। और ये देखो एसी बस है जनरत वाली थोड़ा किराया महंगा रहता है लेकिन बहुत ही सुविधा रहती है। यहाँ पे नंबर वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ है नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी दूसरी तरफ चल के भी दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने उधर पे आप लोगों को नहीं दिखाया है और उधर का भी थोड़ा बहुत माहौल मैं दिखा देता हूँ ताकि जो है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आप लोगों को पूरी जानकारी मिल पाएगी कि किस तरह से जो है यहाँ पे पूरा माहौल है। अभी हम जो है दूसरी तरफ आ गए मतलब इस तरफ मैं नहीं आया हुआ था लेकिन फिलहाल अभी आ चुका हूँ। इधर पे भी यार काफी सारी बसें जो है वो खड़ी हुई है। मैं तो उधर ही पे सोच रहा था कि बस उतना ही है और इधर पे जो है बसें खड़ी हुई है। इधर पे कानपुर 1 नंबर पे जो है कानपुर गोंडा और बहराई क्या लिखा हुआ कानपुर लखनऊ और मार्ग वाली जो है बसें जो है 1 नंबर पे इधर पे खड़ी होगी। जो दूसरा वाला गेट है ना इधर पे जो है लखनऊ वाली जो है बसें खड़ी होगी। इसके बाद जो है बहराई तो गोंडा मार्ग की जो है 2 नंबर पे बसें खड़ी होंगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊँ। वो देखो लिखा हुआ है कानपुर का थोड़ा जूम कर देता हूँ थोड़ा आप लोगों को समझ में आएगा। देखो लिखा हुआ है लखनऊ कानपुर मार्ग वाली जो है 1 नंबर पे 2 नंबर पे बहराइच गोंडा मार्ग वाली 3 नंबर पे गोरखपुर मार्ग वाली और दिल्ली कौशाम्बी की तरफ जाने वाली ये देखो इधर पे लिखा हुआ है 7 नंबर पे। तो दिल्ली के लिए भी 7 बसें मिल जाती हैं। बाकी ये देखो ये कुछ इस तरह से जो है दूसरा वाला गेट है और ये पूरा इधर पे बस स्टेशन बना हुआ है। हम थे यहाँ पे अयोध्या के बस स्टेशन पे और भाई साहब कहाँ कहाँ की बसें मिल जाती है बहुत जगह की बसें मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप जो है कानपुर लखनऊ से आना चाहते हो डायरेक्ट बस है। इसके बाद आगरा के लिए डायरेक्ट बस है। इसके बाद जो है इसके लिए बहुत सारी जो मतलब हर जगह के लिए बस है। गोंडा के लिए प्रयागराज के लिए इसके बाद है गोरखपुर के लिए तो मैंने आप लोगों को बताई दिया सुल्तानपुर के लिए। तो बहुत सारी बसें जो है यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगी। ये जो है पुराना वाला बस स्टैंड जिसका नाम जो है बदलकर अयोध्या कैंट हो गया है। अयोध्या कैंट आप लोगों को जो है बताना पड़ेगा तो आप जो है यहाँ पे पहुंच सकते हो। बाकी वीडियो देखकर आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय जवाहर अपना ख्याल रखिएगा।